एक ऐसी महिला जिसने सड़क किनारे एक मामूली सी अंगूठी खरीदी पर कुछ समय बाद उसकी वजह से वो करोड़पति बन गई। पर कैसे? और एक ऐसा कीड़ा जो पूरी जिंदगी भूखा रहता है और फिर संभोग करके मर जाता है। और एक ऐसा देश जिसने अपने स्कूलों की किताबों में शाहरुख खान की बायोग्राफी का चैप्टर ऐड किया, पर ये देश कौन सा है? और एक ऐसा होटल जहां आपको सारी सुविधाएं जेल की तरह मिलेगी। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 10, दुनिया में कब किसकी किस्मत पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वेस्ट लंदन के रहने वाले एक महिला ने साल 1987 में सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगी एक दुकान से एक अंगूठी खरीदी थी। महिला ने नॉर्मल स्टोन समझकर इस अंगूठी को $13 यानी 1000 रुपए से भी कम में खरीदा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक दिन यही अंगूठी उसकी किस्मत बदल कर रख देगी। 30 साल तक लगातार इस अंगूठी को पहनने के बाद साल 2017 में जब महिला एक ज्वेलरी शॉप गई, तो वहां जब दुकानदार ने उसे उस अंगूठी के स्टोन के बारे में बताया तो महिला हैरान रह गई। दुकानदार ने महिला को बताया कि उसकी अंगूठी में लगा स्टोन असल में 26 कैरेट का एक दुर्लभ डायमंड है जिसके इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करोड़ों में है। जिस अंगूठी को ये महिला मामूली समझ रही थी उसी की वजह से वो करोड़पति बन गई। नंबर 9, दोस्तों ये जो इंसेक्ट आप देख रहे हैं इसे लूना मॉथ्स के नाम से भी जाना जाता है। इस इंसेक्ट की लाइफ महज 7 दिन की होती है। 7 दिन के बाद ही मर जाते हैं और इसकी वजह ये है कि इनकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, जिसकी वजह से ये भूखे मर जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये इंसेक्ट पैदा ही मेटिंग यानी सहवास करने के लिए होते हैं। जी हाँ, लूना मॉथ्स की लाइफ का एक उद्देश्य अपने 7 दिन के जीवन काल में संभोग करना ही होता है। मैटिंग के बाद ये अंडे देती है और अंडे देने के तुरंत बाद ये भूख से मर जाती है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 1, दोस्तों आप में से 99% लोग ये नहीं जानते होंगे कि कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में एक स्कूल है जिसने अपने छात्रों को प्रेरित करने के लिए अपनी किताबों में SRK का एक चैप्टर ऐड किया है। जी हाँ, हम यहाँ बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की बात कर रहे हैं। कैम्ब्रिज किंग्स स्कूल कॉलेज ने अपनी किताबों में एक अध्याय जोड़ा है जिसका नाम है शाहरुख खान। इस अध्याय में शाहरुख खान की स्कूली यात्रा को शामिल किया गया है जिसमें गरीब परिवार का लड़का होने से लेकर बॉलीवुड में बड़ा मुकाम हासिल करने तक सब कुछ शामिल किया गया है। छात्रों को प्रेरित करने के लिए शॉर्ट चैप्टर के रूप में इसे शामिल किया गया है। दोस्तों अब आपके लिए एक पहेली है, आपको इस आवाज को सुनना है तो कमेंट्स में बताना है कि आवाज किस एक्टर की है। तो सुनिए, राज अगर ये तुझे प्यार करती है तो ये पलट के देखेगी। नंबर 7, जेल एक ऐसी जगह होती है जहां पर चोरी डकैती से लेकर अन्य अपराधों के लिए अपराधियों को रखा जाता है, लेकिन क्या हो जब किसी होटल को बिल्कुल रियल जेल की तरह डिजाइन किया गया हो, और सिर्फ डिजाइन ही ना किया गया हो बल्कि यहां गेस्ट्स को कैदियों की तरह ट्रीट भी किया जाता हो। हम बात कर रहे हैं कारोत्सा प्रिजन होटल की। ये होटल यूरोपियन देश लातविया में स्थित है। ये होटल देखने में हूबहू जेल की तरह लगता है। इस होटल के कमरे भी जेल की कोठरी की तरह ही होते हैं। ये होटल खास तौर पर वैसे लोगों के लिए बनाया गया है जो बिना कोई क्राइम किए जेल की जिंदगी का अनुभव लेना चाहते हैं। दोस्तों मैं तो इस होटल में जरूर जाना चाहूंगा, क्या आप भी ऐसे होटल में मेरे साथ जाना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 6, दोस्तों इस तस्वीर तो आप देख रहे हैं, ये कोई गांव या शहर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जिसका नाम वादी अल सलाम है। इस कब्रिस्तान में अब तक 50 लाख से भी ज्यादा शवों को दफनाया जा चुका है। वादी अल सलाम कब्रिस्तान काफी पुराना है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोगों को दफनाने का काम पिछले 1400 सालों से चला आ रहा है। करीब 1485 एकड़ में फैला ये कब्रिस्तान वैली ऑफ पीस नाम से मशहूर है जिसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग आते हैं। इस कब्रिस्तान में सभी कब्र पत्थर और मिट्टी से ही बनी हुई है। इन कब्रों में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नंबर 5, अब ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं दक्षिण कोरियाई सिंगर जुंगकुक की है। इस समय उनकी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर मिले लाइक्स पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल साल 2022 के पहले दिन ही जुंगकुक की फर्स्ट इंस्टाग्राम पोस्ट ने सिर्फ 2 मिनट में ही 10 लाख से ज्यादा लाइक्स हासिल कर सोशल मीडिया की दुनिया में तहलका मचा लिया। इंस्टाग्राम पर उनकी ये पोस्ट सबसे तेजी से 1 मिलियन लाइक पाने पोस्ट बन गई है। सिर्फ 2 मिनट में ही 1 मिलियन लाइक पाकर ये पोस्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल हो गई। नंबर 4, अक्सर पब्लिक प्लेस में छींक आने पर बहुत से लोग उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद आप कभी सपने में भी अपनी छींक रोकने की गलती नहीं करेंगे। दरअसल एक बार एक आदमी ने अपनी लगातार आ रही छींक से परेशान होकर छींकते समय अपनी नाक पकड़ ली और अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसा करके उसने अपनी छींक रोकने की कोशिश की, लेकिन छींक रुक नहीं सकी और उसके गले में छेद हो गया, जिसके बाद व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां वो लगभग 2 सप्ताह तक भर्ती रहा। इसीलिए कभी भी अपनी छींक को नहीं रोकना चाहिए। नंबर 3, लोगों को बबल रैप पर बबल फोड़ना बहुत पसंद होता है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि बबल रैप हमें तभी मिलता है जब हम कुछ सामान खरीदते हैं। लोगों की इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए जापान की एक कंपनी ने मुगन पुची पुची नामक एक सिलिकॉन खिलौना बनाया है जो कि बबल रैप की तरह ही होता है। इस सिलिकॉन बबल रैप की खास बात यह है कि इसमें आप इन्फिनिट बार बबल फोड़ने का आनंद उठा सकते हैं। नंबर 2, मिस्र की सुंदर से
सेक्सी और रहस्यमय रानी क्लियोपेट्रा इतिहास में एक ऐसी रहस्यमय शख्सियत के रूप में दर्ज है जिनके रहस्य से पर्दा हटाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। भले ही क्लियोपेट्रा प्राचीन मिस्र से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक शख्सियतों में से एक है, लेकिन वो एक्चुअल में मिस्र देश की निवासी नहीं थी। जी हाँ, क्लियोपेट्रा ग्रीक मैसिडोनियन ओरिजिन की थी, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के लियूटेनेंट में से एक के वंशज थे। नंबर वन, किसी भी कहानी को पढ़ते समय उसके अंत तक पहुँचना कितना रोमांचकारी होता है ये तो आप सभी जानते ही हैं। इसी से जुड़ी एक घटना रूस के अंटार्कटिका स्टेशन पर घटी है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। एक बार अंटार्कटिका में काम कर रहे एक रूसी वैज्ञानिक पर अपने ही एक सहकर्मी को चाकू मारकर हत्या करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और हत्या के इस प्रयास के पीछे की वजह सिर्फ इतनी थी कि हमलावर जो किताब पढ़ रहा था, जख्मी शख्स ने उस किताब की एंडिंग उसे पहले ही बता दी थी। मूवी स्पॉइलर देने वालों, जरा संभल जाओ। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।